हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप सिंह में। आज के इस वीडियो में हम लोग आकाश का रिव्यू कर रहे होंगे एक आकाश के स्टूडेंट के साथ। ये मेरी सिस्टर है, ठीक है। इसने आकाश से ही कोचिंग लिया है। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप सभी को आकाश से कोचिंग लेनी है, कि भैया की सिस्टर आकाश से, भैया ने कोचिंग लिया सब आकाश ने, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा रिव्यू सुनना, वो क्या कहेगी, एक एक चीज मेरी तरह ऑनेस्ट रिव्यू होगा, ठीक है जी। जैसे मैं ऑनेस्ट रिव्यू लिखता हूँ, वो ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने वाली है, ठीक है जी। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तनीषा, वेलकम टू आर चैनल। थैंक यू, माय प्लेजर। तो पहला पॉइंट मैं तेरे से ये पूछना चाहूंगा, तूने आकाश ही क्यों चुना और कोचिंग से? क्योंकि देखा जाए तो ऑफलाइन कोचिंग में आकाश का नाम भी है और आकाश से रिजल्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं। मोर ओवर सबसे ज्यादा मुझे यही अच्छा लगता था, हमेशा से आकाश में से ही सबसे ज्यादा रिजल्ट आता, तो मुझे यही जाना था। ठीक है, तो तूने रिजल्ट को देख के आकाश चुना। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ, तूने नीट के लिए लिया या जेई के लिए? नीट। नीट के लिए। तो तू, जैसे बच्चे सोचते हैं कि भाई आकाश को हम लोग कौन सी उसमें जाएं, भाई जनकपुरी में आकाश है, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, तूने कौन सा चूज़ किया और क्यों? देखो, सबसे पहले तो मैंने अपने घर के पास वाला चूज़ किया है। तो सबसे घर के पास था तो नोएडा 62 वाला ब्रांच था। पहले तो मुझे डाउट था कि ये अच्छा होगा कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो जाते हैं वहीं पे जाते हैं जो फेमस ब्रांचेज है, जनकपुरी वाली हो गई, साउथ एक्स वाली हो गई। बट यहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के मतलब ये ब्रांच बहुत सही है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अगर दूसरी ब्रांचेज की बात करें, जैसे मेरे दोस्त पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और टीचर्स उतने ही ज़्यादा नहीं हैं। तो 100-100 बैचेज हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सब बच्चों पर ध्यान नहीं जाता। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे बच्चों पर सब पे ध्यान भी जाता है और सबके डाउट भी क्लियर होते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो ये आपका पॉइंट था, इसी वजह से आपने आकाश का वो ज्वाइन किया। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आकाश के अंदर जब आप गए तो आपको मतलब कि मॉड्यूल्स वगैरह दिए गए होंगे, आप अभी भी मॉड्यूल से पढ़ रहे थे, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दो। तो ये जो, हाँ, ये जो बुक है जो आप पढ़ रहे हो, ये टोटली एनसीईआरटी जो लग रही है मेरे को, क्या एनसीईआरटी मैप्स है? लाइक इसमें एनसीईआरटी को सम अप करके दे रखा है, लाइक एनसीईआरटी की एक एक लाइन, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन्स आ रही हैं, सब कुछ इसमें दे रखा है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर आप ये भी पढ़ लेते हो तो आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपको ऐसे लगता है। और इसमें क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी की लाइन से, तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मॉड्यूल्स हैं आकाश के, वो कैसे लगते हैं? मॉड्यूल्स आकाश के देखा जाए तो हैं अच्छे हैं, बट वो उसमें बहुत सारे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें भी बता रखी हैं, तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नीट जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसमें क्वेश्चंस जो है वो अच्छे हैं, वो उसको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो आपको खुद को समझ आ रहा होगा। अच्छा, जैसे कि तुम एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, और भी ड्रॉपर स्टूडेंट अब ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि अब जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ज़्यादा ड्रॉपर स्टूडेंट देखेंगे, क्योंकि जो अब ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगर उनके लिए हम बात कर रहे हो कि भाई ड्रॉपर स्टूडेंट को कितनी नॉलेज होनी चाहिए, क्या वो ये सोचे चले कि मेरे को 11th 12th की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसके बाद भी मैं आकाश में जाके एक साल में नीट क्रैक कर लूंगा, ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, क्या कुछ सिनेरियो रहता है? अगर दोनों क्लास की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो फिर तो डिफिकल्ट होगा। लाइक 12th भी अगर अच्छे से कर रखी है तो भी हो सकता है, क्योंकि 11th वो थोड़ा अच्छे पेस पे पढ़ाते हैं और 12th पे जाके वो बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो एक क्लास की तो नॉलेज होनी चाहिए और दोनों की हो तो बेटर है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपको टाइम लगेगा क्वेश्चंस करने में, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी सिलेक्शन हो सकता है। टीचर्स मतलब आपके केस में, क्रैश कोर्स वाले केस में बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जितना मैं समझता हूं। हाँ, मतलब अगर हम उनको बोलते तो वो बता देते हैं, बट अगर वो फिर वो बता देते कि उसके हिसाब से बता देखते हैं कि हमने 11th और 12th पास कर रखी है तो हमें ये आता होगा। ठीक है, तो कुछ चीजें सपोज करके चली जाती है, ये चीज मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन अगर ये सिनेरियो 11th 12th का बच्चे का रहेगा फाउंडेशन बैच का, तो ऑब्वियसली उन्हें पता बताता है, तो उसमें डीप नॉलेज आपको दी जाती है। तो दोनों के बाद मैंने यहाँ कवर कर दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टीचर्स का आपके ऊपर फोकस कैसा रहता है? लाइक अगर आप टीचर को अप्रोच करते हैं, अगर आप टीचर से कोई डाउट्स पूछते हैं, डेली जाते हैं उनके पास, तो टीचर भी आप पे ध्यान देते हैं। बट अगर आप टीचर के पास खुद नहीं जा रहे तो टीचर भी आप पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपको पहले उनको अप्रोच करना पड़ेगा, तभी वो आप पे ध्यान देंगे। तो मतलब इनिशिएट आप लोगों को लेना पड़ेगा, तभी चीज चल रही होगी। डाउट काउंटर जैसा कुछ होता है क्या? हाँ, डाउट सेशंस होते थे हमारे। लाइक अगर हमारी क्लास 2:30 बजे खत्म होती थी तो हमारे 3 बजे से 4 बजे तक डाउट सेशन होता था। उसमें हमारे जितने भी डाउट थे, अलग अलग रूम्स में अलग टीचर्स बैठे होते थे, अलग अलग सब्जेक्ट थे, तो उनके पास जाके हम अपने डाउट पूछ सकते थे। वो टीचर्स वही होते हैं जिन्होंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाया या डिफरेंट टीचर आपको देखने को मिलता है? नहीं, सारे फैकल्टी सारी होती है वहाँ पे। अच्छा। तो जिसने हमें पढ़ाया हम उनसे जा सकते हैं, किसी और के पास भी जा सकते हैं, किसी के पास। तो आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, बच्चे बैचेस को लेके तनिषा बड़े परेशान होते हैं कि भाई हमें इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए, उस बैच को ज्वाइन करना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से बैच से कितना फर्क पड़ता है एक बच्चे के सिलेक्शन पे, और बैच एग्जैक्टली क्या रोल प्ले कर रहा होता है?
बैच देखा जाए तो नॉर्मल बैचेस होते हैं, रेगुलर जो होते हैं, और एक लास्ट में बनता है एक टॉपर्स बैच। तो टॉपर्स बैच उन बच्चों का होता है जिनके थ्रू आउट द ईयर अच्छे नंबर आते हैं, लाइक 600+ आ रहे होते हैं। तो टॉपर्स बैच में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं, हमारे में ऐसा है कि उनके बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट उनके कब से चल रहे हैं, तो उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, बाकी अलग कुछ नहीं है। उनके पास टीचर्स भी वही थे, पढ़ा भी उन्होंने सेम ही है, बस उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। तो आप लोग इसी को समझ पा रहे होंगे, जो बहुत ज्यादा टॉप बैच है वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक खिलाए हुए हैं और आप सोचेंगे टॉप बैच में रहे हैं तो बेड़ा गर्क होना पक्का है ना, उसमें लेते भी नहीं है, लेते भी नहीं है। ठीक है जी, तो होप सो आप लोग को ये चीज समझ आ रही होंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तनिषा की, आप लोग की फीस कितनी थी, आपने कैसे एडमिशन लिया था? लाइक हम वहाँ पे आकाश के रिसेप्शन पे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने पहले टेस्ट लिया, तो टेस्ट लेने के बाद जो भी मार्क्स बनते हैं उसके हिसाब से वो परसेंटेज निकाल के कोई स्कॉलरशिप कर देते हैं, तो जितनी होती है फीस उसमें से उतना रिड्यूस कर देते हैं। तो ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता, 1 लाख तो अप्रॉक्स चला जाता है, और ज़्यादा अगर अच्छा ज़्यादा रिजल्ट चला जाता तो थोड़ा और ज़्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है जी, तो आप 1 लाख अप्रॉक्स में एक्सपेक्ट करके चलें। और मैं ये चीज़ बता दूँ, ये थोड़ी ब्राइट स्टूडेंट है तो 1 लाख से ऊपर हो सकता है। ठीक है, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी बहन की, लेकिन हाँ ऐसा है तो मैं आपके लिए क्लियर रख के चल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बिल्कुल 1 लाख ही एक्सपेक्ट करके चले तो ऐसा नहीं हो रहा होगा ना। ठीक है जी, हाँ इसके साथ साथ आपने आकाश में 1 साल बिताई है, आपने फीस दी है, आपने टाइम दिया है, क्रूशियल, वर्थ इट लग रहा है? अभी नीट आने में आपका टाइम है, लग तो रहा है, क्योंकि अब जो लास्ट में FTS टेस्ट सीरीज चल रही है पूरी NCERT बेस्ड है, और वो पहले तो पार्ट सिलेबस टेस्ट हुआ है, अब कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होंगे, तो बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो हमारा चेक हो रहा है कि हमने क्या क्या किया कितना। तो आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पे आके गलत डिसीजन तो नहीं लिया? नहीं, और जनकपुरी ना जाके पास में आकाश देगा वो भी एक अच्छा डिसीजन है आपका। ठीक है जी, तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तनिषा से जितना रिव्यू मैं ले पा रहा था उतना मैंने लिया है, और इसने आपको इसकी तरफ से जितनी इसे नॉलेज थी उतना आपको सफिशियंट आप लोग को रिव्यू दिया है, आपको नॉलेज दिया है। इसी के साथ साथ मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आकाश का डिटेल रिव्यू होना चाहिए, और ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो ये वीडियो आप के लिए बना रखी है, इस वीडियो को जाके देखो। ठीक है, अच्छा खासा व्यू आप लोगों ने रखा, अच्छा खासा आप लोगों ने इसे प्यार दे रखा, तो इस वीडियो को देखो, और अगर इसे देख चुके हो इसके बाद ही यहाँ आए हो तो ये वाली वीडियो भी आप के लिए बना रखी है। ठीक है जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, कीप हसलिंग, कीप लर्निंग।